हूँ। रॉकेट सिंह इज ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम बर्गर शॉट, तो ये भूचनी का हमें क्यों बचा रहा है? रॉकेट सिंह क्या कोई बहुत बड़ा आदमी है भाई? हाँ ये तो न्यूज बन गई, न्यूज है, न्यूज है, न्यूज है। चलो गुड्डी चलो 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 देख देख कैसे कंटेंट के पीछे भाग रहे। अरे जोगी का इंटरव्यू लो, लगा पहले बर्गर शॉट जाएंगे। बर्गर शॉट आ रहा हूँ मैं। ठीक चलो चलो। अरे भाई मैसेज सही किया है रॉन ने कि चार बर्गर शॉट और खोल लेंगे जिन्हें ब्लैकलिस्ट किया है। अब बात करते भी क्या हुआ, किसने बोला है? रॉन ने बोला ये। चलो चलो पहले जोगी का इंटरव्यू लेते हैं। चलो 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 मजा आएगा। पहले मुद्दा तो समझ में आया। मैंने तो सीधा उसको रिप्लाई दिया, हमें क्यों बता रहा, हमने पूछी तेरे से। रॉकेट सिंह वैसे उसका लग्जरी ऑटो उसका ओनर है ना शायद। हां हां पीछे पीटी है इसकी मां का। अरे सर इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। हां जी सर। न्यूज़ लेने। कैसे हो सर? न्यूज़ लेने जा रहे हैं। थोड़ा ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा। ऊंचा। न्यूज़ लेने जा रहे हैं सर। ऊंचा। हाँ ये हुई ना बात, अभी आ रही है प्रॉपर आवाज। हाँ जी सर बोले। क्या बोल रहे थे? हाँ अरे न्यूज लेने जा रहे सर, इसलिए थोड़ा तेज चल रहे थे, सॉरी। अरे देखो ब्रदर, न्यूज लेने जा रहे थे अग्रीड, बट फिर भी सिटी लॉज जो है वो सबके लिए ठीक है सर। अगली बार नहीं करेंगे, सॉरी अगली बार नहीं करेंगे, अगली बार कोर्ट जॉइन करेंगे। चलो ठीक है सर, नीचा कर ले, नीचा कर ले, जाने दो, सब न्यूज चली जाएगी। चलो एक सेकंड मेरे को तो बोलने दो यार, जल्दी बोलो सर। चलो काम करो तुम, अभी टट्टी मतलब न्यूज़ करने जा रहे हो, जाओ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचा। अरे बर्गर शॉट ही नीचा कर लो ए, नीचा। ठीक है सर नीचा कर लिया। नीचा हां जाओ, ये सब बाद में आके गुड्डी का चालान काट लेना। मैं थोड़ी चला रही साले, ले मुंह पे उसके, उसके मुंह पे वो काट लिया हमने। अंदर जाते ही भर देना साड़े को। उनका नंबर दे सकती हूँ मेरे पास, मैं लगा रहा हूँ। उनकी परमिशन के बिना नहीं। मैं नहीं, रॉकेट सिंह से गुड्डी बात करेगी। काहे क्यों बात करेगी, इसकी बहस की। अरे मैं सीनियर हूं, इसके पास भी बहस है। उसके बाद मैं बात करूंगा जोगी से, बिकॉज नेक्स्ट सीनियर मैं हूं। वेगा भाई तुम तो टट्टों से बात करना सबके, तुम सबसे नीचे हो। नोट्स बनाएगा रे बाबा। उनके पार्टनर है। अरे छोड़ो आ गुड्डी, गुड्डी आ जा, रोड़ा हो गया। मैथ्यू जी आपका रॉकेट जी का नंबर है? हम विजिल न्यूज़ से, हमें न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है, इसलिए उनका नंबर। किस रिगार्डिंग न्यूज़ रिपोर्टिंग? ये रिगार्डिंग जो ब्लैकलिस्ट वाले बात हुई है अभी बर्गर शॉट की। प्रोबेबली अभी तो बिजी रहेंगे वो। आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं उनका अपॉइंटमेंट ले लूंगी। जी उनका नंबर 700। एक सेकेंड, 700 700 अगेन एंड देन 7007। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आई, ये इतने बड़े बड़े शोरूम्स के मालिक ट्विटर पे काहे बता रहे हैं? है भाई साहब मैथ्यू भाई जी, क्योंकि उनकी मर्जी में भी। अच्छा मतलब ये ऐसा इतने बड़े बड़े मालिक होके बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं? बताओ है, बताओ आगे बेचारे। एक काम करिए, ये बात ना उनके मुंह पे बोलिएगा। हाँ हम बोलेंगे, कैसे डरते हैं क्या इनकी बहस की। चलो न्यूज वाले, हम नहीं डरते। हाँ सच्चाई दिखाएंगे हम। क्या नाम है आपका? नाम क्या है आपका, बताना जरा वापस। भाई साहब बॉडी चड्डा। बॉडी चड्डा। हाँ जी। और आप लाइक आप क्या क्या करते हैं? न्यूज रिपोर्टिंग है जी, हम ये बोलना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल करते हैं जी। जॉब है जी बिल्कुल। ये देखो कैसी बात कर रहे हो, ये शेर। ये वाला मुझे तो ना दिया। ठीक है इनका नोट डाउन कर लीजिए। श्योर रॉकेट जाएंगे तो उनको बताने की क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। अरे हमारे से बात कराना, वन टू फेस टू फेस बात करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। शेर की बात कराना, चलो आ जाओ। देख कैसे सुंदर लगने की कोशिश कर रही बैंगन जी। पूरा कपड़े तो मैंने भी ना बदले। क्या बात है गुड्डी, क्या बन के आ गई है छपरी? ये यूनिफॉर्म है। अच्छा ये यूनिफॉर्म है। मैं भी पहन के आऊंगा। सब सब वाह वाह जी वाह जी, पहले कभी इतना किस्मत काम करते देखा है? किस्मत मतलब ये लाल कपड़े जो हैं आपके? हाँ जी
यूनिफॉर्म भी लाल होगी, कभी आपने सोचा था? शेर सकते, अरे हम न्यूज फिगर हैं। अरे जो एक बात बताओ, चोदी मत करना, रॉकेट का मूड बहुत खराब लग रहा था। हाँ, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो वेगा भाई, मेरी बात सुनो। हम लोगों को अपने न्यूज के लिए मसाला निकालना है ना। अब हम अपने सामने वाले अब रॉकेट को हम उकसाएंगे तो वो हमारे रुको मेरी बात तो... बेगा भाई बकचोदी मारचो बहनचोद, बताएं आप सोचो। वो ना हमारा पूरा न्यूज चैनल बंद करवा सकते हैं तो कैसे कैसे? अरे तो न्यूज चैनल कैसे बंद करा देंगे, सरकार के पास पहुंच जाएंगे ना हम। मेरा आदमी है, सरकार का नहीं है ये, प्राइवेट का है वो। अच्छा हमारा प्राइवेट है क्या? हमारा प्राइवेट है भाई, देख के नो फिर चली जाएगी सबके, सब रोजी रोटी चल रही सबकी। ये सब तो तुम बचाते ही नहीं मेरे को, मुझे भी अभी पता लगा है। हाँ भाई चूहे क्या रॉकेट सिंह आज? अच्छा ये नहीं है क्या? और ना मुझे क्या बता, रखो यार शांति रखो। ऑपरेशनल हेड है, जस्ट नॉट अ रिपोर्टर। क्या बात है जी, फिर भी मना कर देगा तो हो गया फिर। आप में से जो ऑपरेशन क्या करेंगे वॉइस रिकॉर्डिंग थोड़ी ना, आपको उनसे बात करनी थी। आई वॉन्टेड टू रिकॉर्ड न्यूज विद हिम, आई टोल्ड हिम प्राइवेट मीटिंग है ये, ओनली ऑपरेशन हेड कैन शॉर्ट। So can you please tell him that we wanted to record a statement of his, ki what happened with him, theek hai? And for that, if he's okay with it, then we can record it and we can publish a news basis that. Hum isliye unse meeting karna chahte hain. Theek hai? Aap puch lijiye. Dekh, sawal kaise puchne hai, main batata hu. रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा, ठीक है? नो कैमराज, ओनली ऑपरेशन हेड इज अलाउड एंड ओनली प्राइवेट मीटिंग। तो अगर आपको करना है तो इट्स ऑल गुड, और अगर आप उसमें ठीक है मैं मिल लेती हूँ उनसे, लेट मी टेक हिज परमिशन फॉर एटलीस्ट उनका स्टेटमेंट देने के लिए तो उनसे बात करनी पड़ेगी। तुम लोग वेट करो, मैं आपकी बात करती हूं। ठीक है ठीक है, मैसेज कर दियो, ठीक है? कंसेंट होगी तभी करेंगे, बता देना नहीं आ रही तो छोड़ के पक जाएंगे। देख देख ये इतना पैसा होने के बाद भी गांड फट रही क्यों है क्या भाई? हाँ इतना पैसा है, देखो पैसे का मतलब ये होता है ना, फिर उनको पब्लिक फिगर अपना बना के रखना पड़ेगा। एक बात चाहो वेगा भाई, मुझे ज्यादा बाहर आएगी तो बदनामी किसकी? वेगा भाई एक बात चाहो, ऐसी कैसी पब्लिक फिगर जो ट्विटर पे दो ओनर्स लड़ रहे हैं, बताओ ये कैसी पब्लिक फिगर? तो देखो वेगा भाई मैं बताता हूँ, सुनो अबे सुनो मेरी बात, सुनो चुप, अबे सुनो मेरी बात, तुम लोगों को रिपोर्टिंग आती नहीं भाई, मैं सिखाता हूँ तुम्हें। देखो क्या होता है ना, अब एज अ रिपोर्टर हम लोगों को अपनी उस पे टीआरपी चाहिए। टीआरपी के लिए हम अगर नॉर्मल जाके उनसे पूछेंगे कि हाँ जी ये हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हमें क्वेश्चंस ऐसे करने हैं जिससे कि वो उकसे। हम उनको बोलेंगे ये क्या बचपना कर रहे हैं आप दोनों, ये कैसी छोटी छोटी हरकतें कर रहे हैं, इससे उनको एग्रेशन आएगा। एग्रेशन आएगा वो अलग अलग बातें बोलेंगे, गुस्सा आएगा, कुछ ऐसा अपशब्द बोल देंगे या कुछ बोल देंगे जिससे कि हमारी हेडलाइन बनेगी और व्यूज ही व्यूज, टीआरपी ऑन टॉप, विजन न्यूज ऑन टॉप। हेलो रॉकेट जी, हाउ आर यू? सॉरी फॉर द ट्रबल मैम, थोड़ा सा मैं इस चीज को प्राइवेट रखना चाहता था, आप आइए। हां जी प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। हां जी सर, तो वही सर मैं एक्चुअली अब आपकी कंफर्म ऑब्वियसली इस चीज को पब्लिक नहीं करेंगे, बट आई वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड विद यू एट बर्गर शॉट एंड लेट मी टेल यू आई एम नॉट रिकॉर्डिंग एनीथिंग, है ना? देखिए गुड्डी जी, पहले तो गुड्डी जी राइट? हाँ जी सर, गुड्डी कुमारी। गुड्डी जी देखिए, पहले तो मैं मीडिया की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, ऑनलाइन करता हूँ कि थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आपकी मीडिया साइड से भी देखने को मिला। आपके एक कॉल पे मैं तुरंत अपना काम छोड़ के आया यहाँ पे, डेफिनेटली आने के बाद मुझे पता चलता है कि आपका कोई एम्प्लॉय मुझे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। अच्छा डिड ही? बताएं कट्टू जी।
इनके सामने ही बोल रहे थे वो शायद, राइट? इनके सामने भी बोल रहे थे। अरे यार चड्डा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट सर, आई डिड नॉट। लेकिन अब क्या होता है जब ऐसे मैसेजेस शेयर कर बडीज ब्लैकलिस्टेड फ्रॉम आवर स्टोर, जी तो अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉइज अदर पीपल शुड आल्सो नो दैट इट्स चड्डा। देयर आर काउंटर यू नो, जैसे देयर इज एन एक्शन का ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन होता है। Of course, sir, और इसीलिए because you are a very respected individual of the city, so I'm sure कि कुछ बड़ा हुआ होगा। And वो अगर उनको ये लग रहा है कि बच्चों वाली चीजें, तो उनको फिर Twitter से log out करके Instagram या you know TikTok चलाना चाहिए। I'm very sorry, sir. They are actually trainees. They are new. आज उनका पहला Twitter is not meant for you know trainees and such kids. मैम बात ऐसी थी, nothing. It was just some personal talks were happening between me and him. It happened and कहाँ पे था, क्या नाम है, लॉक इन लोडेड? यस, लॉक इन लोडेड। तो आई डोंट नो व्हाई उनके ब्रदर योगी जी को ये लगता है कि उनकी लाइफ में जो लड़की है मैं इतना खाली हूँ कि उस लड़की के पीछे मेरे को कोई इंटरेस्ट है, एंड ही ट्राइड टू यू नो गो फिजिकल मी विद मी वंस बिकॉज ऑफ दैट रीजन ओनली। और अभी he was being very disrespectful, main to queue mein khada hua tha lock and load ki, there were two people waiting aur main queue mein khada hua tha aur suddenly he started you know shouting at me at top of his voice for nothing, and then he started just mere ko unhone trigger karna shuru kiya, thoda sa hatha payi usme unhone mujhe wo baseball ke hathode se, maine bhi unko matlab mara but unhone mujhe baseball ke hathode se डाउन कर दिया। ओह माय गॉड, सो सम रिस्पेक्ट इन द सिटी, डेफिनेटली। वन सेकंड, हेलो, मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी जोगी जी। जी सर जी, सुनो ने बेसबॉल बैट से जी मेरे को वहां पे पूरे पब्लिक के बीच में हम्म, ठीक है, ये भाइयों जैसा लफड़ा है वो, इसीलिए मैंने पब्लिक कवरेज लिया कि आपस में भाइयों में होता है जी। दैट्स व्हाई आई होप यू रिस्पेक्ट दैट। डेफिनेटली सर, बट व्हेन आपका ऐसा कहना, मतलब आपके हिसाब से ये एक पर्सनल मुद्दा था जिसको फिर वो अपने फूड चेन तक ले गए, फास्ट फूड चेन तक। जी जी, हीट ऑफ द मोमेंट पे ट्विटर पे आ गया, फिर वो रिएक्शन ले दिया। अब देखिए आप उनके सामने उनके फास्ट फूड चेन के उनके भाई पार्टनर मेरे साथ ही बैठे हैं जी सर। But I really respect you doing your thing, and I did not want you to let go disappointed. So इसलिए मैंने आपका पूरा regard रखते हुए आपको मैं matter की गहराई समझाई। जी 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 सर, तो ठीक है, मतलब ये I think मुद्दा, क्योंकि सर तो बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो I'm sure ये मुद्दा तो सुलट गया शायद। मेरी तरफ से सुलट गया, बाकी अजय जी अगर उनको लगता है हम बात कर लेंगे। अच्छा, यू डोंट वांट टू मेक इट पब्लिक, राइट? नहीं, हमें पर्सनल में हम लोग आपस में बात कर लेंगे। मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू डीजे, आई मीन लाइक डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। नहीं, हम नहीं करेंगे सर कवर, एक्चुअली बिकॉज रॉकेट जी शहर के काफी जाने माने इंसान है और उनके बारे में ऐसी खबर आ रही है तो फिर ऑब्वियसली उनके साथ कुछ हुआ होगा, एंड पब्लिक इतना प्यार करती है, लग्जरी ऑटोज हैज बीन पॉपुलर सो मच। Thank you so much. So that's why I wanted to In cover fact, it. I wanted to have a meeting with you and Madhav ji also about unse meri commitment hui thi about you know luxury hotels ka marketing and media side and all socials handle karne ke liye, but wo abhi tak sirf ek poster aaya hai unke end se, matlab regularly mujhe kuch details mili nahi hai. Main to chahta tha ki hum log sync mein rehke regularly kaam kare. सर अभी टीम हमारी थोड़ी एक्सपैंड हो रही है, हमने कुछ इंटर्न्स भी हायर करे, थोड़ा आई एम श्योर उनको ट्रेनिंग की और ज़रूरत है अबाउट हाउ टू बिहेव प्रोफेशनली, बट आई एम श्योर जो भी चीज़ें हैं हम उसे ट्रैक पे लाएंगे, और जो भी प्रमोशंस हैं आपके है ना वो हम अच्छे से करेंगे रेगुलर। और एक चीज आप अपना नंबर दे देंगे मैम मुझे? यस सर, आई जस्ट कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी सर, प्लीज बोलिए। हर एक पोस्टर के कितने चार्ज करते हैं? सर कमर्शियल्स के बारे में मैं आपको अभी इतना खुल के नहीं बता पाऊंगी, आई विल डिस्कस इट विद माधव सर एंड आई विल लेट यू नो, है ना? गुडी जी, एक मीटिंग हम एक और रख लेते हैं जिसमें हम लोग अपना
अपना पूरा वो कर लेंगे। डेफिनेटली सर, मैं कहती हूँ एक सोशल मीडिया प्लान बनाते हैं हम आपके लिए, है ना, एंड गिव अस सम टाइम टू प्रिपेयर, दो तीन दिन का समय दीजिए, देन वी विल कंडक्ट अ मीटिंग, यहाँ पर हम एक प्रेजेंटेशन कर लेंगे आपके लिए, सो दैट यू कैन हैव अ लुक कि हम क्या कैसे प्रमोट करेंगे, स्ट्रेटजी वगैरह हम बना लेते हैं थोड़ी सी। थोड़ा जल्दी करने का मतलब, अगर स्टूडेंट में इफ यू डोंट नीड अ प्रेजेंटेशन वी कैन डू इट, या वी कैन डू इट, आई एम लाइक आई हैव सम नॉलेज, बेसिक नॉलेज अबाउट, ऑफ कोर्स आप लोग जितने नहीं है, बट हां जो जो आपका विजन है वो तो हम डिस्कस कर ही सकते हैं सर। जी जी जी, मतलब मुद्दे की बात ये है वो उस टीम से क्लोज कर ले, क्या ठीक है सर? बिल्कुल सर, मैं माधव जी से भी पूछ लेती हूं हम कितनी जल्दी मीटिंग कर सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल I'll schedule one with your team and we will let you know, hai na sir? Done. Aur kuch chai thanda ma'am? Nahi sir, nahi sir, I'm very sorry for the trouble you went through and I'm sorry on the behalf of my team also. No, it's absolutely okay. Ji. Ji. Mere liye koi seva aage ma'am? Nahi sir, thank you sir. You take care, hai na? Thank you sir. Thank you so much guys. Thank you ma'am. Thank you so much for arranging this. Sato ji, please ma'am ko thoda ek bari escort kar de. Thank you sir. And just show her around the showroom also. Yes sir. क्या करे कुट्टी? मैं कह रही हूँ सर, वो रॉकेट जी से मिलने गई थी, उन्होंने कहा कि पर्सनल मैटर है, रिपोर्ट तो नहीं करनी है, लेकिन द थिंग इज कि दे वांट टू डू अ मीटिंग विद अस अबाउट द प्रमोशंस। अभी बुला सकते हैं। अभी करनी है मीटिंग, कल करें? कितनी देर में फ्री है? आज ही कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? अच्छा ठीक है, जरा मैं इन लोगों को कलेक्ट कर लूं पहले, तो साथ वालों को। लोग अगर आधे घंटे में फ्री हो सकते हैं हम लोग तो हम मिल लेते हैं, क्योंकि अभी तो मैं हारमनी आया था एक मीटिंग के लिए। पहले आप वो निपटा लो फिर बात करते हैं। क्या बोला? या तुमने उसके सामने कुछ बोला था ना वहाँ पे उसको जो क्या नाम है उसका बंजा था उसको बोला, क्या हुआ भाई? अरे भाई वो गुस्सा हो गया कि तुम्हारी टीम कैसी अनप्रोफेशनल है। क्या अनप्रोफेशनल है, हम लोग बातचीत करने आए हैं। अबे तो कुछ भी तूने बोला क्या था पहले ये बता मेरे को। मैंने उसको बोला था देखिए, इतनी बड़ी दो कंपनियों के ओनर हैं तो ये क्या ट्विटर पे क्यों लड़ झगड़ रहे हैं, ये क्या बचकानी वाली हरकत। पक्का तूने ऐसे ही बोला था? इतना मारूंगी ना तुझे मैं। अरे और सच में यही बोला, ऐसे ही बोला था उसने। बट ऐसे सुन मेरी बात, जब तुम किसी मेरी पहली बात सुनो, न्यूज रिपोर्टिंग का पहला उसूल, आपको ना प्रिटेंड ऐसे करना है, स्पेशली जिससे भी आप इंटरव्यू लेने जा रहे हो, कि आप उसकी तरफ हो, तभी वो आपको स्टेटमेंट देगा, नहीं तो नहीं देगा। अब तो उसकी बेइज्जती करेगा तो घंटा तेरे को नहीं देगा, या तू ये भी बोलेगा ना? अबे सुन मेरी कुछ ही बात। अरे वो ऑफेंड हो गया ना। अरे उसको तो बोला ही नहीं, वो चूतिया मैच्यू था ना, उसको जैसे दूसरी तरीके से लगा। हाँ, क्योंकि वो कह रहा है कि वो एक्चुअली बर्गर शॉट के ओनर के साथ ही बैठा था, ठीक है, और ये पर्सनल मुद्दा था। वो कह रहा था जोगी की कोई बंदी थी और जोगी को लगा कि मैं उसकी बंदी को पटा लूंगा, पता नहीं क्या वक्त बता रहा था। एनीवे तो वो मुद्दा सुलट चुका है और वो कह रहा है पर्सनल मैटर है, तो मैं देखो मेरी बात देखो, ये दो बहुत बड़े बड़े मालिक है, करोड़ोपति, ठीक है, नहीं जोगी मालिक नहीं है। अरे जोगी कुछ तो है ना हेड, तभी ब्लैकलिस्ट कर पा रहा है ना वहाँ पे। बट नहीं हुआ ना ब्लैकलिस्ट, वो ओनर के साथ बैठा था बर्गर शॉट के। तू मेरी बात सुन देख, जोगी ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है तो हमारे वेगा भाई तो ऐसे स्टेटमेंट नहीं दे सकते कुछ भी, क्योंकि यहाँ के वेगा भाई इंटर्न है अभी, है ना। जोगी वहाँ का हेड ही है कुछ तो, है ना। अब जोगी ने ट्विटर पे इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जब कि भाई रॉकेट सिंह को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, तो बर्गर शॉट को रिप्रेजेंट करता है जोगी बहुत पहले से, ठीक है, जब से शहर में रिप्रेजेंट करता है। अब उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, आगे से रॉकेट सिंह बोलता है कि भाई हमारे ऑटो से, जो भी लग्जरी ऑटो से, इसको ब्लैकलिस्ट कर। अब इतने दो बड़े बड़े उसके कंपनी जो भी है, इनके शोरूम्स के मालिक, ठीक है, शहर में करोड़ोपति के मालिक, ये सब स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो हम एज अ रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर तो कवर करने जाएंगे ना, हम तो यही बोलेंगे कि स्टार्टिंग में बात करते हुए कि ये सब क्या चल रहा है आपकी बातचीत में ये सब। हाँ। तो उसमें मैंने गलत क्या बोला बता? बट उसको अच्छा नहीं लगा तूने जो भी बोला। मैंने उसको तो बोला ही नहीं, वो चूतिया। मुझे नहीं पता उसको क्या बुरा लगा, सुन मेरी बात। बहन का लोड़ा जलता होगा। हाँ हाँ ठीक है जलता है, चल ठीक है जलता है, मेरी बात सुन। बोला क्या इसने उधर? अरे यही बोला कि कैसे बड़े बड़े ओनर्स हैं आपस में लड़ रहे हैं। मैं बताऊँ क्या बुरा लगा फिर? इन्हें बड़े पब्लिक फिगर होके बच्चों की तरह लड़ रहे हो, ऐसा कुछ बोला था? अरे 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 बॉडी भाई थोड़ा आराम से, बुरा लगा ले ये घर के जमाई थोड़ी। तुझे पता है जोगी उसको सॉरी बोलने के लिए फोन कर रहा था मेरे सामने।
पर मैंने भाई बहुत अच्छे वे में बोला था उसको, मैंने उसको बोला मैं कहीं नहीं रही तेरी गलती है, सुन मेरी बात। नहीं सुन तो ले, मैंने उसको यूं बोला कि भाई साहब देखना क्या ये देखो रॉकेट सिंह जोगी का ये ट्विटर आ रखा है क्या, इतने बड़े बड़े ओनर होके बचकन बचान बच्चों की जरा लड़ रहे हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। तो हम उसे खफा नहीं कर सकते, बिजनेस चला जाएगा। अच्छा ऐसा भी है, पैसा आ रहा है रे बाबा उससे। तो हम अब कल ये न्यूज तो छाप सकते हैं ना कि ऑटो क्या नाम है लग्जरी ऑटोज और बर्गर शॉट में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग। बिना कंसेंट के नहीं छापाएंगे हमारा क्लाइंट नहीं, है ना, नहीं छाप सकते, नहीं छाप सकते। देखो देखो सुनो, अरे वो हमारा उन्होंने एक बार मना कर दिया ना, मना करा क्यों उन्होंने, मना कर दिया। हाँ मना किया, मना कर दिया और हम फिर भी डाले ना तो उल्टा सीन हम पे ही बायबैक। हाँ प्लस वो हमारा क्लाइंट भी है, तो हम पे ब्लैकलिस्ट कर देगा वो वहाँ से। तो इस हिसाब से तो हम लोग तो दब के रहेंगे उससे। नहीं हाँ फैक्ट है, देख अब देख हम न्यूज रिपोर्टर है, अभी हम सरकारी न्यूज रिपोर्टर होते तो मेरा लाड़ा नहीं पूछता उससे कि भाई डालना है कि नहीं डालना है। सुन बात सही है तेरी, दबके रहेंगे, बट दबके नहीं रहना है जब वो गलत है। अब वो गलत सही का क्वेश्चन है, अगर वो गलत भी होगा ना तो भी तुम हटा नहीं कुछ कर पाओगे, बताओ तुम कर पाओगे? गलत होगा तो तब तो हम डालेंगे, नहीं डाल सकते, तुम्हारा स्पॉन्सरशिप खत्म, तुम्हारा न्यूज चैनल खत्म भाई। तो एग्जाम्पल अगर रॉकेट सिंह कोई क्राइम कर दे या रॉकेट सिंह मुझे गोली मार दे मान ले, ठीक है, तब तुम उसे रिपोर्ट करोगे, भाड़ में जाए बिजनेस उस वक्त। बट ये जो मुद्दा है ना, ये पर्सनल मुद्दा है उसका, पर्सनल मुद्दा था गुड्डी जब तक ट्विटर पे नहीं डला था। अब पूरे शहर में, अब एक बात था, मेरी बात सुन, हमें पता है, हमने उससे बात करके बात करी तो हमें अब पता है कि भाई उन दोनों का शॉर्ट आउट हो गया है। क्या शहर को पता ही है? शहर में तो ये पब्लिक फिगर कुछ ना कुछ, वो प्रोबेबली दे विल ट्वीट समथिंग, पर ये पर्सनल मुद्दा नहीं रहा। अब तू हीरो होंडा की जो कंपनी थी, हीरो अलग हो गई, होंडा अलग हो गई, ये बहुत बड़ी चीज है भाई साहब। ऐसे पता चला जब उन्होंने पब्लिकली बताया तो अंदर के कलेश बहुत पहले से चलते थे ना। अभी तो लग्जरी ऑटो से कोई बैन नहीं है और बर्गर शॉट से भी कोई बैन नहीं है, बैन नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी पब्लिकली नहीं डाला ये चीज। तुम न्यूज अगर बना रहे हो, कल मान लो तुम्हें बनानी, तो तुम क्या न्यूज डालोगे? अरे कुछ नहीं डाल सकते क्योंकि हमारा ओनर ही सीधा मना कर देगा, क्योंकि स्पॉन्सर ही वही है। अब बोलो, नहीं डाल सकते, लेकिन नहीं डाल सकते भाई। अगर हम डाले, देख हम डालेंगे उसी वक्त आएगा कि भाई हम लोगों ने उनको डिफेम किया, वो सीधा यही बोलेंगे ना, केस फेंक के मारेंगे मुंह पे। ऑब्वियसली वो ये बोलेंगे डिफेम किया। सुनो मुझे जो इन्फॉर्मेशन पता है वो मैं, जो उसने मुझे बताई रॉकेट ने, वो मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन न्यूज में डालने के लिए नहीं दे सकती। You cannot quote me, क्योंकि उसने मना किया, उसकी consent नहीं है। राइट में आता है, अगर तू सरकारी होती तो तू ये consent मांगती? क्या? सरकारी अगर न्यूज होता हमारा, सरकारी न्यूज चैनल नहीं है शहर, अगर होता तो ये consent मांगती तू? फंडामेंटल राइट्स तो तब भी नहीं नहीं, पब्लिक फिगर है, फंडामेंटल राइट नहीं बचा है गुड्डी, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ तेरे को। पब्लिक फिगर हो चुकी है ये, दो बड़े बड़े ओनर्स ने पब्लिकली ये चीजें करी है तो ये उनके पर्सनल नहीं बचा है। लाखों हजारों लोग, जो भी लाखों लोग रहते हैं शहर में, सबको ये पता है। तो एज अ हम लोगों को टीआरपी एज अ न्यूज चैनल, हम लोगों को लाखों का सोचना है इन दो के बाद कि वो कैसे जानेंगे। बचा तू बचा, बात तो सही है, बट इससे उनके अलावा किसी को इफेक्ट हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है भाई, लोगों को शहर में पता चल रहा है, बर्गर शॉट के भी स्पॉन्सर होंगे। बता वेगा की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है इस बात? अरे बट एक मान ले, वेगा भाई ने बर्गर शॉट के शेयर्स खरीदे हो, वेगा भाई एक मिनट, वेगा भाई मान लो आपने बर्गर शॉट के शेयर्स खरीद रखे हो, तो आपको पता चले कि लग्जरी ऑटोज और बर्गर शॉट में लड़ाई हो गई, तो आपका नुकसान नहीं होगा इसमें? बैलेंस शीट चेक करूंगा कि किस हिसाब से। आप कुछ सोचो ना भाई, अब एक बात हो भाई, बहुत सारी चीजें होती है बात करने के लिए यहाँ पे। मैं मुद्दा रखूँ ना, पागल हो जाओगे तुम लोग। तो सुनो, सबसे पहले ओनर से बात करो कि अर्जी लगाए हमारे बिजनेस को सरकार से स्पॉन्सर्ड करवाए। नहीं भाई माफ करो भाई, माफ क्यों? गलत काम करते हुए पकड़े गए, जॉब गई परमानेंट। इधर माधव भाई तुम्हें सेकंड चांस दे भी सकते हैं, पर हम एक और चीज कर सकते हैं, और किसी, हम स्विच कर सकते हैं बाद में और किसी ओनर से। हाँ, ओनर बदल सकता है तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, कोई ऐसा चुतिया जॉब होगी जैसे रिसाइकलिंग वगैरह की हो गई ना,
ऐसे इनके ओनर से स्पॉन्सर लेके हम चलाए, क्योंकि देखो लग्जरी ऑटो सबसे बड़ा है भाई शहर में, इससे ऊपर किसी के पास पैसा होएगा ही नहीं पूरे शहर में, है ना। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कभी भी आवाज उठाने जाएंगे ना तो हमारे लौड़े लग जाएंगे, देख लेना। जब भी आवाज उठाएंगे ये बात याद रखनी हमें कि हमारे पास ऐसा कुछ सबूत होना चाहिए कोई डिना या घुमा ना पाए। और तब हमारे पास अगर ऑडियंस का सपोर्ट है तो कितने भी पैसे हो ऑडियंस का दिमाग थोड़ी बदल सकते हो तुम। बात तो सही है, अब मेरी बात सुनो, हो गया ये खत्म डिबेट। हाँ ठीक है, मेरी कोई गलती तो नहीं गुड्डी? लेकिन नहीं, गलती तेरी वहाँ पे भी नहीं है, बट थोड़ा ना देख के बोला कर बस। दानशीन है, चाकते फाटे। भैंस की टांग का कंडक्ट नहीं है। रॉकेट खड़ा इधर, तमीज से बात कर लेना जरा। हाय एनी एम्प्लॉय हियर? हाँ जी सर बताएं। आए क्यूटी, जरा हमें गाड़ी दिखा दीजिए यार। हम सर गला छोटा कर लीजिए अपना। आके सर आ जी। कहाँ गए? पुलिस ने रोक लिया था, कहाँ गए क्यूटी? अपना देखो जी, 20,000 के अंदर अंदर लग्जरी लैम्बोर्गिनी दिखा दो एक। 20,000 के अंदर आपको लग्जरी लैम्बोर्गिनी देखना? मतलब हाँ, कौन कौन सी लग्जरी आएगी बता दो। आप वैसे स्टार्टम भी ले सकते हो मैडम। नहीं नहीं स्टार्टम मैडम, मैडम स्टार्टम इन्होंने ले ली तब से नफरत होगी, वरना तो अच्छी थी। मैडम आप बताएं कौन सी गाड़ी में मेरे साथ डेट पे जाना पसंद करेंगी, वो सिलेक्ट कर लेती है। मैं कह रही हूं चड्डा स्पीचलेस हो गई मैम। भाई तो यार देख, इतना अच्छा फ्लर्ट किया यार गुड्डी पहली बार यार, है ना। ज्यादा मत करो ना, मुक्का मार दूंगी तुझे। तुझे क्या जलन हो रही है? नहीं आई लव यू टू। जलन नहीं हो रही है। आपको कैसा लगेगा चड्डा भाई गाड़ी बेचने का, गाड़ी चढ़ा दे आप पे तो। अरे अरे चड्डा भाई को ट्रक है, आपको कार चाहिए तो फीमेल ड्राइव कर सकते हो। फीमेल? फीमेल क्या? फीमेल स्पेलिंग बताएं, स्पेलिंग WEEPIL। आप इसमें डेट पे जाना पसंद करेंगी? हाँ अगर कोई आपके जैसी क्यूट लड़की हो तो बिल्कुल जाना पसंद। क्यूट लड़की? अरे आपके जैसी क्यूट लड़की बोला मैंने। अरे मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आप चलना पसंद करेंगी क्या? नहीं। क्यों? गाड़ी कैंसिल, गाड़ी कैंसिल, गाड़ी गाड़ी कैंसिल। छी ऐसी टट्टी गाड़ी लेनी नहीं जिसमें आप जाए ना। अच्छा ऐसे ले सकता हूँ मैं टेस्ट ड्राइव? हाँ $250 में। $250 नहीं, फ्री में होती है टेस्ट ड्राइव तो। हाँ फ्री में होती है, मैंने ली है। कौन कौन बैठ गए गाड़ी में? चाबी कहाँ है? इतने लोग बैठे हैं, ट्रंक भी खोली दो। नहीं तो बहुत बड़ा। हेलो उस यार काटो ना फोन यार, पार्टी चड्डा बात कर रही। हाँ हम ही बात कर रहे थे यही। किस चीज का रिपोर्ट है? ये बहुत बड़ा कंसाइनमेंट जा रहा है पलीटो से पीवे। अच्छा भैया तो क्या करें? भैया बहुत बड़ा कंसाइनमेंट है, अंदर दारू की बोतलें हैं, असला बारूद है, ग्रेनेड है। थैंक यू भाई आईडी कार्ड दिया। अरे वाह वाह, तो ये कहाँ पे हो रहा है हमें बताओ, हम आते हैं अभी। न्यूज में कवर कर लोगे तो बहुत प्रमोशन मिलेगा, हमको भी ले लो। तुमको भी ले लेंगे, पहले ये बताओ तुम हो कौन, नाम बताओ अपना। हमारा नाम राजू। राजू कैसे हो बेटे? बढ़िया हड़िया, मुलाकात करो ना यहाँ तनिक। किधर? यहाँ ये उका है जहाँ पे लौंडा लोगों को गाड़ा। अरे 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 लौंडा लोगों को गाड़ा जाता है उधर, क्या नाम? स्ट्रिप क्लब? स्ट्रिप क्लब नहीं, अरे अच्छा शाम घाट में हो तुम? यहाँ खड़े हैं। आ रहे हैं, दो मिनट रुको जरा देखते हैं। दो मिनट में तो चले जाएंगे। अच्छा चले कहे जाएंगे, हम गाड़ी का ट्रायल ले रहे थे। आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं? रुको ओए सुनो, खबर मिली है। ओए खबर आ जाओ बाहर, एक एक ग्रेनेड वगैरह कोई लेके कोई जा रही है गाड़ी, उसको पकड़ना है। चला चल ग्रेवियार्ड ले, ग्रेवियार्ड ले। कहाँ है वो? इसकी भैंस का ग्रेनेड कहाँ पे मिल रही है? अबे राजू तुम हो? राजू? कौन राजू भाई? अबे राजू का कॉल आया। दारू पहुंच गई है। दारू दारू
रिकॉर्डिंग ऑन कर राजू। हाँ क्या बोल रहे थे? इसे मिलना है वो है राजू, एक राजू इंसान था उसने बुलाया था जरा। राजू तुम नहीं जानते? राजू आगे लग रहा है। अरे ब्रो पूछो। अरे अरे छोड़ दो भैया मेरे चार टट्टे चार बच्चे हैं, छोड़ दो। सिस्टम है जी सिस्टम, 37वीं बिरादरी इंजीनियर्स ऑन टॉप, छोड़ दो। चुप हो जा, तेरे मुंह में दे दूंगा चोको, समझा? अंदर तक डीप थ्रोट। और क्या, तेरे मुंह में क्या दूंगा? चल इधर 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 चल 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 इधर किधर होता है ब्लाइंड फोल्ड? हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो, हाथ पकड़ो बेटा, हेल्प हेल्प कर। न्यूज बनाने आए थे, न्यूज बंद किया, छोड़ दो। टटी आ रही है भाई साहब, छोड़ दो। चुप हो जा टड्डे, चुप चुप, बिल्कुल चुप। आ पार निकल गया। इसको उठा लिया? किसको उठा लिया तूने? मैंने फोन नाम बका इसका। कोई दिक्कत नहीं, उंगलियां उंगलियां कट जाएंगी, अभी तो मरने वाला है। अरे नहीं भाई, क्या क्यों मैंने ऐसा क्या कर दिया? ये राजू हमारे खिलाफ न्यूज रिपोर्टिंग करेगा, तू इतना बड़ा हो गया है। अरे खबरें छापते हो? हाँ जी, एक भी नहीं छापी। खैर बोलो आगे। हाँ नहीं तो कभी तक एक खबर नहीं छापी। तो कल ही तो जॉब पे लगा। भाई जी पूरी अरे और कैसे दे दिया, मेरा गुस्सा तो था नहीं अभी इतनी जल्दी। बहुत भारी, बहुत भारी, बहुत बड़ा बोलती थी वो तो। ओए घुटने पे भाई साहब माफी दे दो। अच्छा ये कौन सा घुटना हो गया, माफ कर। बस ये मत, इसके पास मैं प्लंबर का काम करता हूं भाई साहब। सुना है बहुत मुंह चलता है तेरा। कौन बोल, कौन रहा है तुम में से? किसी का मुंह तो दिख भी नहीं रहा। सुन इसका पट्टा उतारो। कौन सा पट्टा उतार रखा है? उतार रखा है, उतार रखा है, दिख रहा है ना इसको अब सब? आज दिख रहा है, पर भाई साहब सबके मुंह पे मास्क है, कौन सा बंदा बात कर रहा है? ये देखो तुम्हारे पास दिख रही है। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, गुचड़ खाने वाला ये तो। इसे मुर्गा काटते ना, इसे खून देख उसके ऊपर, खून देख। अच्छा खून है, मेरे को लगा स्टाइल वो है। ज्यादा पेट कट जाएगा ना सारा स्टाइल निकल। अरे नहीं नहीं भाई साहब, पेट ना काटिएगा। नहीं नहीं सॉरी भाई साहब, माफ करे, क्या हो गया? मैंने सुना तेरी जुबान कंट्रोल में नहीं रहती जी। खाने के लिए अगर चिकन राइस हो तो नहीं रहती है, वैसे तो रहती है। दो जरा बेटे, जरा दो इसको चिकन राइस, एक पीछे से पिछवाड़े में। नहीं पीछे मुंह से खाता हूँ जी। आ! अरे अरे बैठ बैठ बैठ, फिर से बैठ, फिर से बैठ, फिर से बैठ, फिर से बैठ। एक तू भी दे साइड से छोले भटूरे। अरे दोनों कुल्लो पे। अरे इसका स्लो था, था। नहीं नहीं, अरे नहीं भाई साहब, नहीं माफ करे, नहीं माफ करे, माफ करे, माफ करे। दिखा दिखा इसको, दिखा जरा, दिखा दिखा। नहीं रहने दो भाई, तुम तो अच्छे इंसान हो। बुद्धि पे मार, बुद्धि पे मार। अरे नहीं नहीं भाई, तो रहने दो, रहने दो, रहने दो भाई साहब। सुन घुटना दे, घुटना दे पीठ पे। आ ये तेज लगा, आ मार के रहे हो भाई साहब। बदमाश तू भी जरा दे एक और। अरे क्या मैं मच मारो, अरे क्या भाई साहब, बॉक्सिंग बैग थोड़ी ना, मोटा इंसान हूँ तो मारते रहोगे? मारते, अरे ये तो महिला जी भी मार रही है। बैठ जा, बैठ जा। और जुबान चलती है, मैंने सुना तेरी चला जरा जुबान। क्या हो गया? तेरी जुबान ही काटता हूँ। नहीं अरे हुआ क्या भाई साहब, हुआ क्या? मुझे बता तो दो, मैंने क्या किया है? मुझे बता तो दो एटलीस्ट, हुआ क्या है? आज जोड़ता हूँ जी, मैं छोड़ दो। काम करता है तू? यस सिस्टम। पहले आ रहा है बोल सिस्टम, देख इसका। भाई साहब क्या हुआ? मैंने क्या, तो कुछ भी नहीं किया, कल ही तो जॉब लगी मेरी, $200 देती है जी। आप काम पे रख लो, मैं आपके पास आ जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, वहाँ पे हमने सुना आजी वही हम शोरूम में खड़े थे। अच्छा लग्जरी ऑटो उसके मालिक को बहुत बक कर रहा था तू? ना जी ना, मैं तो भाई साहब मैं वो बहुत बड़े, मैं भगवान की तरह मानता हूँ उनको तो। अच्छा। वो मैं तो पूजा करता हूँ उनकी।
वो तो बहुत अच्छे इंसान है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। अरे नहीं झूठ क्यों, झूठ नहीं होता, झूठ होता है। हाँ जी झूठ नहीं बोल रहा हूँ भाई साहब। अरे भाई अरे इसमें खून नहीं है सर। देखो देखो मित्र गण, सखी सहेली सहेला दोस्त मित्र, सोरो सुनो 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 आ आ मार मार। सखी सहेली दिख रही है इसको मोहे मोहे करने। अरे तो ये गए किस लिए थे भाई? सहेली का करने फिर बॉक्स के बाहर फेंक फेंक के डिप कर दिए तन सी ठीक है ये जा रहा हूं। मैं बाद में करता हूं सबका। हां कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत हां मिलता हूं। चलो ध्यान रखना, ध्यान रखना, तो बैकअप से कॉल कर देना। विजल न्यूज की तरफ से जाऊं या मैं सीधा क्रिमिनल की तरफ जाऊं अब? ठीक है क्रिमिनल मेरे बहुत ठीक है, तेरी मारू मैं ठीक है। हैं अरे बेगा भाई तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ। हाँ हाँ हमारे मम्मी उठाए। अबे यार उन लोगों ने रेडियो फोन सब ले लिया मेरा। अरे अरे चल रहा है लाइट्स देनी इनको, हम टेंट हाउस खोला ना हमने। माजो भाई चीकू तुम्हें शरा मारी, तुम्हारे एम्प्लॉय को उठा के चाकू मारे गए अभी दरिंदे लोग। मेरा रेडियो भी ले गए, फोन भी ले गए। अरे ये चीकू भाई तुम पे एक्स्ट्रा थे ना? कितने अच्छे इंसान हो यार तुम। फोन भी दे देते तो अच्छा लगता। फोन मेरे पास भाई अपने ही है, मैं रीसेट करके दे देता हूँ। नहीं छोड़ो रहने दो, मैंने डॉक्टर का चोरी कर लिया।